मंजिल दूर हो या पास, मंजिल दूर हो या पास, अगर है वो खास और अगर आपके मन में रहे दृढ़ विश्वास, तो वो निश्चित ही मिलेगी, वो खुद आएगी आपके पास। हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो क्लास। तो यह टेंस का अंतिम वीडियो है। इसके पहले मैंने 11 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, और इसके अलावा हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आप खुद जा करके एक्सप्लोर कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, अर्थात उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद देखेंगे कि उसको पहचानने का नियम क्या है, उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कोई भी वाक्य जो है, दिया गया वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है या नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे अनुवाद करने के नियम, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेट करने के नियम, कि अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हो और वह वाक्य अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो तो उसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे, चाहे वो एफर्मेटिव वाइट हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, यस नो वाले इंट्रोगेटिव हो, या क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव हो, सभी प्रकार के वाक्यों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं और मैंने पिछले वीडियो में काफी विस्तार से इसे बताया है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? यदि भविष्य में कोई कार्य या कोई घटना कुछ समय से चल रही हो, जहां समय का बोध हो, कुछ समय से चल रही हो, अर्थात वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य का कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है लेकिन वो कार्य बिल्कुल संपन्न नहीं हुआ है, अर्थात जहां समय का बोध रहे। उदाहरण हम देखेंगे, मैं 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी करता रहूंगा, 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी करता रहूंगा, अर्थात परीक्षा की तैयारी करने का जो कार्य है वो संपन्न नहीं हुआ है या नहीं हुआ होगा। इन फ्यूचर आप 2022 से मेरा इंतजार नहीं करते होंगे या नहीं करते रहोगे। यहाँ भी समय का बोध है और कार्य अपूर्ण होने का बोध है, अर्थात कार्य संपन्न नहीं हुआ होगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते होंगे? इस तरह का जो वाक्य होता है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अर्थात इसकी परिभाषा हम लोग क्या देखेंगे, लिखेंगे कि भविष्य में, इन फ्यूचर, भविष्य में जो कार्य कुछ समय से, कुछ भी हो सकता है, कुछ समय से चलता होगा और वह पूर्ण नहीं हुआ होगा, अर्थात वो पूर्ण नहीं हुआ होगा, वो कार्य भविष्य में चलता रहेगा, ऐसा बोध जिस क्रिया से होता है, जिस वर्ब से होता है, उस वर्ब को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। टेंस में हम लोग वर्ब की ही स्थिति को जानते हैं। पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का नियम है, सबसे पहले इसमें ता रहेगा, ती रहेगी, ये सारे तो रहेंगे लेकिन इसके साथ समय का बोध होगा, समय का जिक्र होगा। अगर समय का जिक्र नहीं है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और समय का भी जिक्र हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोनों में यही अंतर है। यहां जितना भी हम देख रहे हैं, ता रहूंगा, ते होंगे या ती रहेगी, लेकिन यहाँ क्या लगा है, समय भी लगा है। यहाँ सुबह है, यहाँ 2022 है, यहाँ 2 वर्ष है, तो समय भी रहेगा और ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा, याद रहते हैं। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा,
प्लस समय का बोध हो तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अनुवाद का क्या नियम है? इसमें मुख्यतः शैल या विल प्लस है प्लस बीइंग प्लस बिफोर इसका प्रयोग होगा। सभी में ये कॉमन होगा। वर्ब का चौथा रूप अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। शैल विल के बाद है और बीन का भी प्रयोग होगा। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर। जैसे मैं 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी करता रहूंगा, वह सुबह से अपने खेत में काम करता रहेगा। माँ बचपन से अपने बच्चे को संभालती रहेगी। अनेक उदाहरण हो सकते। शिक्षक कई वर्षों से बच्चे को पढ़ाते रहेंगे। तो ये सारे वाक्य हो तो सबसे पहले हमें क्या देना है? सब्जेक्ट देना है। इसके बाद शैल या विल का प्रयोग होगा। इसके बाद हम लोग देंगे हैव बीन, हैव प्लस बीन। इसके बाद क्या देंगे? बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में कौन से अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यहाँ इसे वाक्य है, मैं 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी करता रहूंगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? आई। आई के साथ क्या लगना है? शैल। उसके बाद क्या लगाना है? हैव बीन। स्ट्रक्चर में देखिए, आई शैल विल के बाद क्या है? हैव बीन और बिफोर। तो शैल हैव बीन प्रिपेयर का बिफोर क्या होगा? प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के लिए हम एसडब्ल्यू का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, इसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। ठीक है, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप 2022 से मेरा इंतजार नहीं करते होंगे या नहीं करते रहेंगे। तो आप यू, यू के साथ क्या लगता है? विल। और शैल के बाद क्या देना है? नॉट देना है। यू विल नॉट इंतजार करना का क्या होता है? वेट। बिफोर क्या होता है? वेटिंग। सॉरी, यू विल नॉट, इसके बाद क्या लगाना है? हैव बीन। स्ट्रक्चर क्या है? हैव बीन नॉट के बाद। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए। फॉर मी, और कब से है? 2022 से, इसलिए यहां क्या लगा देंगे? सिंस, सिंस 2022। ठीक है, अच्छा यहां तो हमने भूल ही गया क्या है? शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यहां समय है क्या? 2 वर्षों से। यहां क्या हो जाएगा? फोर टू इयर्स। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद शैल विल जो लगाते थे वो शैल विल पहले लग जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी सब सेम होगा। क्या सेम होगा? हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक अंक में चेंज क्या आएगा? यहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे याद है आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए। उदाहरण लेते हैं कि क्या वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते होंगे या खेलते रहेंगे? वे लोग दे, तो दे के साथ क्या लगता है? विल, विल दे। इसके बाद हैव बीन लगाना है। विल दे हैव बीन, हैव बीन सभी में लगेगा। बिफोर, बिफोर क्या है? खेलना, खेलना क्या है? प्ले का क्या होता है? प्लेइंग। ठीक है, आराम से बनाना। विल दे हैव बीन प्लेइंग, क्या खेलना? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब से? सुबह से। तो सिंस, सिंस
मॉर्निंग। फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब दो वर्ष, दो माह, पांच दिन, पांच साल, ये सारे पीरियड है जिसमें अवधि बताया गया हो। और जहां निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से, सुबह से, शाम से, जनवरी से, 2020 से, ये सारे बोध हो, जिस निश्चित डेट हो, तो वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ नेगेटिव, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्प के बीच नॉट लगा देना है। शेयर या भी वही होगा प्लस सब्जेक्ट और यहां लग जाएगा नॉट, और बाकी स्ट्रक्चर ये वही रहेगा सेम, नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका उदाहरण सिंपल है, क्या सोनी जुलाई से दिल्ली नहीं जाती रहेगी, क्या सोनी, सोनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लगेगा यहां, विल, विल सोनी नॉट बीन, बीन का प्रयोग करना है, नॉट हैव बीन, हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है। यहां सोनी को देखे हैज नहीं लगाना है, सभी में हैव का ही प्रयोग होगा। विल सोनी नॉट हैव बीन जाना का गो, तो क्या होगा, गोइंग, विल सोनी नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली कब से, जुलाई से, तो सिंस जुलाई, सिंस जुलाई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, आगे दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, जैसे कि हम लोग पांच वर्षों से कहां भटकते रहेंगे, यहां क्वेश्चन वर्ड है, बच्चे दो घंटे से क्यों रोते होंगे, तो यहां क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शेल या विल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के पहले यहां एक चीज ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के बाद फोर या सिंस का प्रयोग होगा प्लस टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम ले रहे थे इसलिए अलग से नहीं लिख रहे थे, और जगह की भी कमी है, तो ऑब्जेक्ट के बाद फोर या सिंस का प्रयोग करना है। फोर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग करेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो फोर या सिंस प्लस टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस एलियबी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैबिट प्लस रिपोर प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या दे देंगे, फोर या सिंस का प्रयोग करते हुए टाइम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, हम लोग पांच वर्षों से कहां भटकते रहेंगे, यहां क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां, वेयर, और हम लोग सब्जेक्ट है वी, तो यहां सेल है, वेयर सेल वी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हैव बीन, हैव बीन भटकना का वांडर होता है तो वांडरिंग हो जाएगा। Where shall we have been wandering? कब से, पांच वर्ष से, तो फोर एफ आर फोर फाइव इयर्स क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अंतिम है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ नेगेटिव सेंस, नेगेटिव के साथ, तो यहां सब्जेक्ट और हैव के बीच नॉट लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, और यहीं पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, नॉट
प्लस बाकी स्ट्रक्चर सेम, एम प्लस बीम प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको फोर या सिंस का प्रयोग करना है और टाइम का भी, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं सर, बच्चे 2 घंटे से क्यों नहीं टोते रहेंगे, क्यों? वाई, अब बच्चे में विल रहेगा, वाई विल द चिल्ड्रेन, वाई विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन रोना का क्या होता है वीप, तो बोलेगा वीपिंग, वाई विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन वीपिंग 2 घंटे से, फोर टू आवर्स क्वेश्चन। तो यहां सभी स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, जहां ऑब्जेक्ट हम लिखे हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम का टाइम भी जोड़ देना है, फॉर या सिंस प्लस टाइम सभी स्ट्रक्चर में जोड़ देना है। अब हम वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेड या विल, सेड या विल प्लस हैव प्लस बीन, और बीन के बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम देंगे फॉर या सिंस, और इसके बाद अंत में लगेगा टाइम, और यहां फुल स्टॉप हो, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या वी, इसके बाद ही नॉट लग जाएगा, इसके बाद नॉट लग जाएगा, और इसके बाद सारा स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम। जैसे नॉट के बाद क्या है, एब है, एब के बाद क्या है बीन है, और बीन के बाद क्या है बिफोर है प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस, इसके बाद क्या है टाइम। इस तरह से आपको लिखना है तभी आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। एक कंप्लीट, मैं सभी का एक एक उदाहरण दे दूंगा। फिर एस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो सेल मिल यहां है ना, इसको हम लोग पहले रख देंगे, इसको हम लोग पहले रख देंगे सेल मिल के, तो क्या हो जाएगा यहां सेल या विल, और इसके बाद सब्जेक्ट को यहां आ जाते आएंगे प्लस सब्जेक्ट, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सारा स्ट्रक्चर सेम क्या है, एफ प्लस बीम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला है एस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, सेल या विल शॉर्ट में लिखा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और यहां से सारा सेम लिखना है, प्लस क्या होगा है प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या देंगे फोर या सिंस प्लस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब है क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस प्लस थ्री, केवल मैं यहां लिख देता हूं प्लस थ्री, क्वेश्चन वर्ड प्लस थ्री मतलब क्वेश्चन वर्ड और प्लस सेल या वी प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, और यहां क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ नेगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस फोर, मतलब फोर नंबर का जो स्ट्रक्चर है आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। थोड़ा कठिन लगता है लेकिन ये कठिन है नहीं, बिल्कुल आसान है,
एक तरह का स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ हमने एक वाइट लिया, इसका सभी छह प्रकार के वाइटों को हम लोग बनाएंगे। राम 10 वर्षों से लोगों की मदद करता रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के साथ क्या रहेगा, व्हील, राम व्हील हैव बीन, राम व्हील हैव बीन, इक्वल क्या हुआ, हेल्पिंग, हेल्प का इक्वल क्या होता है, हेल्पिंग, राम व्हील हैव बीन हेल्पिंग किसकी, पीपल, लोगों की। ठीक है, राम विल हैव बीन हेल्पिंग पीपल 10 वर्षों से, टाइम मिला है लास्ट में 10 वर्षों से, 4-10 years। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो राम और विल के बाद डॉट लगा देंगे, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सेल या विल, नेगेटिव का सेल या विल के बाद क्या है, नॉट है, तो राम विल नॉट, उसके बाद सेम सेम नॉट हैव बीन हेल्पिंग, किसकी हेल्प करता है, पीपल की, पीपल, फोर टेन इयर्स कंप्लीट, फुल स्टॉप। तीसरा स्ट्रक्चर है, जैसे राम 10 वर्ष से लोगों की मदद करता रहेगा, इसके स्थान पर यह रहे कि क्या राम 10 वर्षों से लोगों की मदद करता रहेगा, इस विल को उठा के हम पहले ले आएंगे। ठीक है, मतलब विल राम, विल राम, विल राम हैव बीन, विल राम हैव बीन, वर्ब क्या है, हेल्पिंग, विल राम हैव बीन हेल्पिंग, किसकी हेल्प करता है, पीपल की, पीपल, कितने दिन से, 4-10 years, आराम से समझना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। चौथा स्ट्रक्चर अगर इसका नेगेटिव करना हो तो क्या देंगे, राम के बाद नॉट जोड़ देंगे, विल राम नॉट, इसके बाद सेम स्ट्रक्चर होगा, मैं नहीं लिखने वाला, आपको खुद लिखना है अंत में क्वेश्चन में। ठीक है, पांचवा है कि राम, इसी प्रकार सभी वाक्यों को बनाना है, और कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9661005 पर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों से जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।